हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में किस टाइप के कपड़े पहनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में होता क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें तो पता नहीं चलता है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और ज़्यादा चेंजेस होते भी नहीं, हमारा टमी भी बाहर नहीं निकला हुआ होता है। लेकिन हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर से पता चलने लगता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। ऐसे में आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहनना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ क्लोथ्स जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए और पहनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहली पसंद है, जो बहुत सारी लेडीज़ की पसंद है, वो है काफ्तान ड्रेस। काफ्तान ड्रेस को करीना कपूर ने भी अपना, मतलब अपनी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान उन्होंने इसको कैरी किया था। होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो काफ्तान ड्रेस होती है ना, वो ब्रीदेबल होती है। इसका जो फैब्रिक होता है ब्रीदेबल होता है, आसानी से हवा पास होती है, और इस तरह से आपको कंफर्टेबल फील होता है। किसी भी टाइप के जो टाइट कपड़े होते हैं, जीन्स या टाइट टॉप, या बस टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छा कपड़ा होना चाहिए। कॉटन इज द बेस्ट, आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है अगर आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं तो। काफ्तान ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अभी पॉपुलर है, ट्रेंड में है। अभी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस ड्रेस को ज़रूर यूज़ करिए और पहनिए, और आप इसे इजीली मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी बाय कर सकते हैं। इट्स लुक्स लाइक अ मैक्सी ड्रेस, तो मैक्सी ड्रेस भी बहुत अच्छा चॉइस है, आप मैक्सी ड्रेस भी बाय कर सकते हैं। प्लस मैक्सी ड्रेस को बाय करने से पहले आप देख लीजिए उसका लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इतना ज़्यादा लंबा ना हो कि आपके पैर पर वो उसमें अड़ जाए और आप प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मैक्सी ड्रेस को अगर बाय करें तो थोड़ा काफ लेंथ ही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप बहुत लंबा बाय करते हैं, लेंथ बहुत लंबा बाय करते हैं, तो उससे आपके बेबी को और आपको खतरा हो सकता है, इसलिए आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ, इस टाइम पीरियड में आप बेल्ट का यूज़ मत करिए, क्योंकि बेल्ट जो होता है बेली पे बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो टाइट बेल्ट का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जीन्स भी ना पहने, जीन्स अगर पहनना ही है तो आप क्यूलोट्स पहन सकते हैं, प्लाजोज इलास्टिक वाले बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है बेली पर। और आप यूज़ कर सकते हैं बहुत नारा वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको उसको बिल्कुल थोड़ा लूज ही, कंफर्टेबल हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उतना ही आपको उसको कसना है, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ख्याल रख सकते हैं कपड़े को लेकर के। तो ये मैं अंडर वाइड ब्रा मत पहनिए इस टाइम, आप टाइट ब्रा भी मत पहनिए, पैडेड ब्रा नहीं पहनिए आप जो ब्रा अंडर वाइड ब्रा है उसका यूज़ मत करिए, टाइट ब्रा यूज़ मत करिए, पैडेड ब्रा यूज़ मत करिए, क्योंकि ब्रेस्ट साइज बढ़ता है। और इस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा टाइट कहीं भी हम ना पहने, अंडर गारमेंट्स भी इतने टाइट नहीं पहने। तो आप कॉटन ब्रा यूज़ कर सकते हैं और नॉन पैडेड ब्रा यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्या होता है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट साइज़ बढ़ता है तो आप नई ब्रा नहीं खरीदना चाहते, तो आप ब्रा एक्सटेंशन जो होता है उसको बाय कर सकते हैं। होता क्या है, उसमें जो पीछे का जो हुक रहता है उसमें हम उसको ब्रा एक्सटेंशन जो आता है उसको लगा सकते हैं और ब्रा की साइज़ बढ़ जाती है बस्ट एरिया से। तो ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है मिंत्रा या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, कहीं भी आप इनको बाय कर सकते हैं। और टिप्स मैं देना चाहूँगी, 30,000 टिप्स कि आप जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो आप इंश्योर कर लीजिए, आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। किसी भी तरह के कॉस्मेटिक बिना सोचे समझे यूज़ मत करिए, क्योंकि स्किन से वो आपके ब्लड में जा सकता है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी पीरियड थोड़े टाइम का पीरियड तो है नहीं, छोटा पीरियड तो है नहीं, तो 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो इसमें हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपना। आजकल होता क्या है, जो कॉस्मेटिक्स हैं इसमें जहरीले केमिकल्स मिले होते हैं, जो स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके बेबी को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करें, सोप में भी, शावर जेल में भी, और जो आप डेली क्रीम लगाते हैं उसमें भी, क्योंकि स्किन में पोर्स रहते हैं वो उसमें
अगर आप हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो आपके स्किन के अंदर जाएंगे, फिर ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में जाएंगे, वो आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम लोडेड विद हार्श केमिकल्स वाले प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी भी तरह का कॉस्मेटिक यूज़ ना करें, मेकअप भी यूज़ ज़्यादा ना करें, और खान पान का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, पिए और मस्त रहें। तो आई होप कि ये टिप्स, छोटे छोटे टिप्स आपको यूज़फुल लगे होंगे। तो अगर लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।